हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से हम एक नए तोरण पट्टी का डिज़ाइन सीखेंगे। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि इसे फिर से बनाइए, तो चलिए इसे फिर से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक नॉट बना लेना है, फिर हमें टोटल 22 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 चैन लेना रहा है और 3 चैन एक्स्ट्रा लेना है। 1 2 3 फिर चौथे वाले चैन से डबल क्रोशेट बनाना है। यहाँ से डबल क्रोशेट बनाना है, चैन को काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट, फिर एक और डबल क्रोशेट, तो 3 डबल क्रोशेट हुआ। टोटल हमें 6 यानी 6 डबल क्रोशेट बनाना है। एक 3 चैन जो छोड़ा है साइड में, एक डबल क्रोशेट के बराबर हुआ और 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। टोटल हमें 6 डबल क्रोशेट बनाकर लेने हैं। फिर 2 चैन लेंगे, सॉरी 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 5 चैन लेंगे और 5 चैन को स्किप कर देंगे चैन में। 1 2 3 4 5 5 चैन स्किप करेंगे, छठे वाले चैन से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। एक वापस एक और इसी जगह से 2, तो 2 डबल क्रोशेट बना कर लेना है। फिर हमें 5 चैन लेना है, 1 2 3 4 5 5 चैन लेना है, फिर से 5 चैन स्किप कर देना है और छठे वाले चैन से डबल क्रोशेट बनाना है। टोटल 6 डबल क्रोशेट बनाना है। तो 6 डबल क्रोशेट हमें बनाकर लेना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। एक कोई फ्रेंड है जिसने कमेंट किया था कि मैम इसे फिर से बनाइए, हमसे नहीं होता है, तो चलिए ध्यान से देखिए। तो इस तरह से फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गया। फिर हमें सेकेंड रो में साइड से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। साइड का जो 6 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 6 डबल क्रोशेट ही बनाकर लेना है। तो 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन से डबल क्रोशेट बनाएंगे। सिक्स डबल क्रोशेट हो जाएगा। फिर हमें 2 चैन लेना है। इस लाइन में थोड़ा ध्यान से देखिए, उल्टा नहीं होगा। तो 2 चैन लेंगे और 2 चैन लेकर जो हमने 5 चैन लिया यहाँ से, इसके बीच से हमें सिंगल क्रोशेट से लॉक कर देना। अब हमें टर्न करना है बैक साइड से, बैक साइड से बनाना है। ध्यान से देखिएगा, बैक साइड से यहाँ से हमें बैक साइड से जो 2 डबल क्रोशेट बनाया है उसमें फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट से यहाँ से एक, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशेट बनाना है। सेम प्रोसेस में दूसरे डबल क्रोशेट से भी 7 डबल क्रोशेट बनाकर लेना है। तो चलिए मैं इसे पूरा करती हूँ, आप वीडियो में बने रहें।
फ्रेंड्स हमें इस तरह से बना लेना है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक चैन लेना है, चैन लेंगे एक, और यहाँ से एक दो तीन चार, चार बार फंदे लेकर एक पफ स्टिच तैयार करना है। फिर तीन चैन लेना, एक दो तीन, इसी तरह से हमें तीन पफ स्टिच बनाकर लेना है। फिर एक चैन लेकर साइड का सिक्स डबल क्रोशेट बनाकर तैयार कर देना है। तो चलिए इसी तरह से इस रो को बना लेते हैं।